प्यार किया था ना तुमने, तो सुनो, आशिक तुम भी और आशिक वो भी था, प्यार तुमने भी किया और प्यार वो भी करता था, फर्क सिर्फ इतना है तुमने जिससे प्यार किया उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और उन्होंने जिससे प्यार किया उसने उनका नाम इतिहास में लिख दिया। ब्रेकअप वाले आशिक को ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूँ एक अखबार बेचने वाले लड़के की। अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करने वाला लड़का, अपने क्लासरूम में सबसे पीछे बैठने वाला लड़का, अपने काम में इतना बिजी रहने वाला लड़का कि अपनी सगाई तक भूल गया, क्योंकि उसे जिद थी कुछ कर गुजरने की, उसे जिद थी आसमान में उड़ने की, उसे जिद थी इतिहास रचने की, उसे जिद थी अपने देश को चांद पर पहुंचाने की, उसे जिद थी इतिहास के सुनहरे पन्नों में उतरने की, और वो उतर गया। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। वो कोई और नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो भी बहुत बड़े मजरू थे मेरे दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें प्यार था आसमान की ऊंचाइयों से और तुम्हें प्यार था किसी लैला से। उन्होंने भी की थी बेपनाह मोहब्बत अपने सपनों से जिनके लिए वो दिन रात जगा करते थे, और तुमने भी की थी मोहब्बत उस लैला से जिसके लिए तुम दिन रात जगा करते थे। तुम अपनी लैला के सपने नींदों में देखते थे और उनके सपने उन्हें सोने नहीं देते थे। बड़ी कमाल की बात कही थी उन्होंने, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। कसम से बहुत बिजी रहते थे वो, रात रात भर बातें किया करते थे किताबों से, क्योंकि अपने सपनों से बात करने का एकमात्र जरिया उनकी किताबें थी। बिजी तुम भी रहते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किताबों से नहीं लैला से बातें करते थे। तुम्हारे पास बात करने का जरिया किताबें नहीं, तुम्हारा व्हाट्सएप था जो तुम्हें कभी फ्री नहीं रहने देता था। आई लव यू का मतलब उन्हें भी पता था, लेकिन उनके लिए यू का मतलब उनका ड्रीम था और तुम्हारे लिए वही लैला। आखिर 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर उनकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला पहला रूनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। उनका सपना तो सच हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? छोड़ गई ना वो क्या कहते हैं उसे, ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उस लैला को याद करके आंसू बहाते रहो, या फिर बदल दो उन आंसुओं को पसीनों में और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जिस दिन आपकी वो लैला आपको मिले, आपसे नजरें ना मिला पाए। अब सोचना आपको है कि आपको प्यार किससे करना है, किसी लैला से जिसके पीछे आप पागलों की तरह पड़े रहते हो, या फिर अपने उन सपनों से जो आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे। और उस दिन ऐसी हजारों लैलाएं आपसे मिलने के लिए लाइन में लगी। इस वीडियो को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।